Hello viewers, how are you all? I hope you all are doing good in your life, and my pray and my blessings are with you. I want to see you all very happy and very successful in your life. तो आज का जो मैं वीडियो बना रही हूँ, इस वीडियो का टॉपिक है कि बहुत ही सारे लोगों का एक तो ये डाउट है कि जो स्टूडेंट्स हैं स्टडी परमिट पे जा रहे हैं, जिनके ओवरऑल 7 बैंड हैं, पर किसी न किसी मॉड्यूल में 5.5 या 5 भी हैं, एंड वो लोगों को ऑफ़र लेटर मिलेगा या नहीं मिलेगा. एंड दूसरी जो चीज़ है कि कुछ लोगों के ये क्वेश्चंस हैं स्टूडेंट्स के कि उन्हें एक साल का कोर्स मिल रहा है, वो उस पे जाएं या ना जाएं. एंड तीसरी बात ये है कि जैसे मैं आपको अपने हर एक वीडियो में ये बताती हूँ कि आप बहुत ही केयरफुली स्टेप लें जब आपके इमिग्रेशन प्रोसेस होता है, चाहे वो स्टडी परमिट है, चाहे वो वर्क परमिट है, चाहे वो परमानेंट इमिग्रेशन है, क्योंकि फ्रॉड बहुत ज़्यादा लेवल पे हो रहे हैं. एंड वो इसलिए हो रहे हैं क्योंकि हमारी विश है बाहर जाने की, और उसी वीकनेस का फ़ायदा उठाते हैं कुछ लोग. एंड मैं एक चीज़ और भी कहती हूँ कि फ्रॉड होने का सबसे बड़ा रीज़न हम लोग खुद हैं, क्योंकि 3 लाख से ज़्यादा एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं किए जाते वर्ल्ड वाइड, तो उससे बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस जो है एक ही कंट्री से आ जाते हैं, तो उनको जितनी ज़रूरत होती है वो उतने ही लोगों को ले सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं ले सकते, क्योंकि वहाँ पे उनके रहने का, खाने का, पीने का एंड जॉब का अरेंजमेंट भी होना चाहिए. तो वो एक चीज़ आप कंसिडर कर लें कि अगर किसी वजह से आपकी स्टेटस पास नहीं होती या आपकी फ़ाइल अप्रूव नहीं होती, तो उसका एक बहुत बड़ा रीज़न ये भी हो सकता है कि आपसे बेटर, आपसे ज़्यादा क्वालिफाइड लोग हो सकता है कि पूल में निकल गए हों, पर अगर आपका नहीं हुआ तो आप निराश ना हो, क्योंकि रिजेक्शन का और अप्रूवल ना होने का दोनों अलग अलग रीजन्स होते हैं एंड उसकी अलग अलग इफ़ेक्ट्स भी होते हैं. एंड और एक फाइनल चीज़ जो मैं आपसे ये बताना चाहती हूँ कि जो लोग ऑलरेडी कनाडा में हैं एंड जो लोग वर्क परमिट पे वहाँ पे जा चुके हैं एंड उन्होंने वर्क परमिट एक्सटेंशन करने के बाद में अपनी पीआर अप्लाई करनी है, एंड कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है कि उन्हें खुद पूरी जानकारी नहीं होती एंड वो सॉलिसिटर्स के पास जाते हैं क्योंकि वो एक्सपर्ट होते हैं उस फील्ड में, एंड कई बार सॉलिसिटर्स से भी कोई गलती हो जाती है क्योंकि उनके पास बहुत सारे एप्लीकेशंस होते हैं, तो वो लोग कुछ चीज़ें प्रोसेस करना भूल भी सकते हैं या डिले भी हो सकता है, या उनकी गलती की वजह से आपकी फ़ाइल रिजेक्ट भी हो सकती है या डिले हो सकती है. तो आपसे एक मेरी ये रिक्वेस्ट है जो लोग ऑलरेडी कनाडा में हैं एंड जो इमिग्रेशन प्रोसेस पे हैं या वर्क परमिट प्रोसेस पे हैं या स्टडी परमिट प्रोसेस पे हैं, आप अपनी पूरी नॉलेज, पूरी जानकारी आप ले लें ताकि आपके साथ धोखा ना हो. आपको खुद पूरे प्रोसेस का मालूम होना चाहिए कि आपको फर्स्ट स्टेप से लेके एंड तक क्या है एंड वो कितना टाइम लगेगा एंड आपको कौन से डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं. अगर किसी वजह से सॉलिसिटर्स आपके सबमिट करना भूल जाते हैं या उन्हें नॉलेज नहीं रहता, तो आप खुद भी उन्हें बता सकते हैं कि ये डॉक्यूमेंट्स हमारे सबमिट हुए हैं या नहीं हुए, एंड रेगुलर आपको खुद अपनी मेल आईडी दे के उसको फॉलो करना चाहिए. एंड दूसरी जो चीज़ है वो ये कि अगर आप लोग किसी वजह से एक साल के कोर्स पे जाना चाहते हैं कनाडा, तो मेरी आपसे यही एक रिक्वेस्ट होगी कि अगर आपके पास फाइनेंसेस कम हैं, क्योंकि 1 ईयर स्टडी के लिए 1 ईयर एक्सपेंसेस एंड फीसेस जो है देने दिखाने पड़ते हैं, अगर आपके पास फीस देने के लिए या दिखाने के लिए रियल फंड नहीं है एंड उस स्टेज में ही आप 1 ईयर का कोर्स लेके जाएं, एंड आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप 1 ईयर कोर्स के बाद स्किप ना करें, क्योंकि कनाडा में भी ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है कि आप ड्रॉप आउट होने के बाद इमिग्रेशन में क्लियर हो जाएंगे या वहाँ पे जाके आप किसी लड़की को फंसा के शादी कर लेंगे या किसी लड़के के साथ शादी कर लेंगे. तो ऐसे केसेस बहुत रेयर होते हैं, हर आदमी ऐसे ही शादी नहीं करता. एंड दूसरी जो बात है कि 2 ईयर स्टडी के बाद में आपको फुल टाइम वर्क परमिट की जो लॉ है कनाडा का, तो आपको उसको ख्याल में रखना पड़ेगा कि आपको 2 ईयर स्टडी करने के बाद ही कनाडा में वर्क परमिट मिलेगा, अदरवाइज़ आपका जो परमिशन है 20 आवर्स का ही स्टडी का जो स्टूडेंट्स को मिलता है वर्क परमिट. तो ये सारी चीज़ें आप कंसिडर करें. आपके पास अब अगर फाइनेंसेस कम है तो आप नेक्स्ट ईयर वहाँ
एक ईयर का जो डिप्लोमा लेके आप जाएंगे या 1.5 साल का लेके जाएंगे, आप उसके बाद की भी स्टडी कंटिन्यू कीजिए। हाँ, ये हो सकता है कि आपके फाइनेंसेस कम बनेंगे, आप पैसे कम कमाएंगे कुछ सालों तक, पर जब आपकी स्टडी पूरी कंप्लीट हो जाएगी, आपको अच्छी जॉब मिलेगी, आपको फुल टाइम वर्क परमिट मिलेगा एंड आपके जॉब वेज रेट भी जो है आपका हाई होगा, क्योंकि कैनेडा में इस चीज़ को बहुत प्रेफरेंस दी जाती है। कुछ लोग ड्रॉप आउट हो जाते हैं एंड वो शॉर्टकट्स अपना लेते हैं, ऐसे बहुत सारे फेलियर केसेस भी आते हैं। एंड मेरी आप लोग सभी स्टूडेंट से ये एक रिक्वेस्ट है कि ड्रॉप आउट मत लीजिए। 1 साल के या 1.5 साल के कोर्स पे भी अगर आप जाते हैं तो प्राइवेट कॉलेजेस में मत जाइए, अच्छा कोर्स लेकर जाइए एंड वहाँ जाके आपका जो स्टडी लेवल है वो कंटिन्यू कीजिए। 5-7 साल अगर आप पैसे कम कमाएंगे तो उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, पर सारी ज़िंदगी आप आराम से रहेंगे, आपकी फैमिली खुश होगी, आपको जो है लॉन्ग टर्म में इसका इफेक्ट अच्छा दिखेगा। तो ये चीज़ का आप ख्याल रखें, क्योंकि जो 12th के बाद जाते हैं उनको मिलता है लेवल 5 एंड लेवल 6 का डिप्लोमा, एंड उसके बाद होता है लेवल 7 एंड लेवल 8 का डिप्लोमा, जो कि मास्टर्स के बराबर होता है, 5 एंड 6 का अंडर ग्रेजुएशन के बराबर होता है। 12th की कोई वैल्यू नहीं होती, क्योंकि एक बेसिक क्वालिफिकेशन है एंड आप कोई शॉर्टकट ना लें, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि मैंने खुद देखा है कि एक चीज़ मैंने नोटिस की है कि मेरी फैमिली के लोग जो कैनेडा में हैं वो मैक्सिमम लोग मूव हुए हैं दुबई में, क्योंकि उनकी क्वालिफिकेशन एंड उनके जो थी वो काफ़ी हाईली पेड उनको मिल रही है दुबई में। कनाडा में वेदर कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब होने की वजह से एंड कुछ लोगों को हेल्थ इश्यूज भी होते हैं उतनी ज़्यादा सर्दी में रहने से, एंड कुछ लोग नहीं एडजस्ट करना चाहते, टैक्सेस भी बहुत ज़्यादा हैं, तो वो लोग मूव भी हो जाते हैं। पर एक चीज़ बहुत ज़रूरी है वो सब के लिए, अगर आप अपने आप को बहुत अच्छा प्रूव करना चाहते हैं, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप स्टडी को कभी मत छोड़िए, आप स्टडी को कंटिन्यू कीजिए। थोड़े साल आप पैसे कम कमाएंगे, पर आप जब आपके पास कैनेडियन डिग्रीज होंगी, कैनेडियन वर्क एक्सपीरियंस होगा, आप किसी भी कंट्री में हाईली पेड जॉब पे जा सकेंगे। आप अपने स्किल को डेवलप कीजिए, अपनी नॉलेज को डेवलप कीजिए, अपनी एक्सपीरियंस को डेवलप कीजिए। किसी भी पासपोर्ट की वैल्यू कम नहीं होती, इस चीज़ को आप ख्याल में रखिए कि आपको इंडियन पासपोर्ट से कैनेडियन पासपोर्ट कन्वर्जन करना है एंड उसके बाद उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होता। इंडियन लोग, हाईली पेड लोग मैंने देखे हैं दुबई में एंड यूएसए में, जो अभी तक इंडियन पासपोर्ट हैं, उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है कि हम कैनेडियन, ऑस्ट्रेलियन या न्यूजीलैंड या इंग्लैंड या यूएसए के पासपोर्ट या फिर हम H1 सिटीजनशिप में कन्वर्ट करें, क्योंकि उनके पास स्किल है और स्किल का पर आवर के हिसाब से ही सैलरी मिलता है। तो उस चीज़ को आप ख्याल रखिए कि अगर आप सचमुच डेवलप करना चाहते हैं, अपनी एजुकेशन में इम्प्रूव कीजिए, अपने आप को, अपने इंग्लिश स्किल को इम्प्रूव कीजिए, आप अपनी नॉलेज को इम्प्रूव कीजिए, स्टडी को बिल्कुल ड्रॉप आउट मत कीजिए, क्योंकि ये आपको आगे तक ले जाएगी। एंड दूसरी चीज़ जो है, मैंने आपको बता ही दिया है कि जो ऑलरेडी कनाडा पे हैं, जो वर्क परमिट पे हैं या किसी और प्रोसेस में हैं, NPR के लिए एलिजिबिलिटी होने के बावजूद भी किसी वजह से उनका प्रोसेस रुका हुआ है किसी भी रीज़न से, तो अब टेंशन ना लें, ये हो जाता है। हाँ, अपील करनी पड़ती है अगर एक बार दो बार नहीं हुआ, पर एक चीज़ जेन्युइन है कि आपके डॉक्यूमेंट्स आपके बिल्कुल सही होने चाहिए। एंड जो लोग वर्क परमिट पे इंडिया से जाते हैं, तो कुछ लोग ऐसा होता है कि अपनी एक जॉब छोड़ के NOC लेके दूसरी जगह पे काम लग जाते हैं एंड वो ये भी नहीं देखते कि ये जो बंदा है इसके पास ट्रेडिंग लाइसेंस है या नहीं है, या जो लामिया का जो प्रोसेस होता है वो उसके लिए एलिजिबल है या नहीं है, क्योंकि बहुत सारे कंपनीज हैं जो कैनेडियन सिटीजन्स को ही जॉब देते हैं, फॉरेन वर्कर्स को जॉब देने की उनके पास एलिजिबिलिटी नहीं होती, उनके पास लाइसेंस नहीं होता, उनको लामिया का परमिशन नहीं मिलता। तो बहुत सारे लोगों के ऐसा भी होता है कि जो 2 ईयर्स वर्क परमिट के बाद जो एक्सटेंशन लेते हैं तो उस वजह से वो नहीं होता, तो ये चीज़ का आपको ख्याल रखना पड़ेगा। एंड मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप कोई भी शॉर्टकट अपनी लाइफ में ना लें, आप खुद उस चीज़ का नॉलेज ले लें एंड उसके बाद ही आप किसी लॉयर के पास जाएं, क्योंकि किसी की भी गलती की वजह से आपका करियर, आपकी ग्रोथ नहीं रुकनी चाहिए। आप अपनी जिम्मेदारी खुद लीजिए अपने करियर की, अपनी खुशियों की, क्योंकि दूसरा अगर करेगा तो वो सिर्फ पैसे के लिए करेगा, पर आप जब करेंगे तो आप अपने लिए खुद करेंगे, उसमें किसी का कोई भी वो नहीं होगा। तो और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात जो मैं आपको हमेशा ही कहती हूँ कि अवेयरनेस प्रोग्राम मेरा है, कि मैं आपको ये गाइड करना चाहती हूँ कि आप जो है एजेंटों से बचें, ऐसे फ्रॉड लोगों से बचें जो आपसे स्टडी परमिट के लिए भी 15-15, 20-20 लाख का जो है
फ़ंड ले लेते हैं, एंड आपको स्टडी परमिट के लिए, जो लोग ऑलरेडी कनाडा में जा चुके हैं उन्हें पता है कि 5-5.5 लाख से ज़्यादा वो नहीं होता, क्योंकि अगर फीसेस, अगर ज़्यादा से ज़्यादा फीसेस भी है, अगर 18,000 या $20,000 है तो 10 लाख होता है एक साल का, प्लस अगर एक साल का आप वो भी बताते हैं, अपना एक्सपेंसेस भी बताते हैं, तो $10,000 से ज़्यादा नहीं होता, $30,000, ₹15 लाख होता है। पर वहाँ जाने के बाद आपको ये पता चलता है कि आपकी ओनली एक सेमेस्टर की फ़ीस आई है, बाकी जो 5 लाख है वो एजेंट खुद खुद खा जाता है, फेक डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए या अपने फंड दिखाकर किसी भी तरीके से वो आपको कनाडा भेजने के लिए उसके प्रोसेसिंग फ़ीस ले लेता है। तो ये सारी ही चीज़ों से आप बचें, मेरा यही एक मिशन है कि मैं आपको अवेयर करवा सकूं। एंड दूसरी एक बात मैं और आपसे कहना चाहती हूं कि यूके का जो व्हाट्सअप नंबर मैंने आपको दिया है, फ़िलहाल मैं वो यूज़ नहीं कर पा रही, कुछ लोग उस पर मेरे साथ कनेक्टेड हैं, उसके लिए मैं सॉरी हूँ। मैं बहुत जल्दी यूके वापस जा रही हूँ, एंड वहाँ जाने के बाद मैं वो ट्राई करूँगी फिर से आपसे कॉन्टैक्ट करने के लिए। एंड दूसरी चीज़ है कि जो मेरा ये इमिग्रेशन अवेयरनेस प्रोग्राम है, ये मेरा आप सभी लोगों के लिए है। पंजाबी में वीडियोस में इसलिए नहीं बना रही कि अगर मेरा मिशन है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयर करवाऊँ, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हिंदी समझते हैं, एंड मुझे पता है कि पंजाबी हिंदी समझ लेते हैं, इसलिए मैं हिंदी में वीडियो बना रही हूँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका बेनिफिट मिले। एंड मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी अगर आप लोग अपने प्रोसेस में कामयाब होंगे, क्योंकि मेरी यही विश है। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग this video. Have a great day. Good day.